याकूबच्या फाशीवरून राजकारण तापलंय, या संदर्भात राजकीय नेत्याने काय भूमिका मांडली पाहूया. इसलिए जाते हैं कि उनका कोई सगा रिश्ते वाला टेररिस्ट अटैक में नहीं मरा है. जब उनका कोई मरता ना तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आती. मैं न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखता हूँ. अगर कोई इनोसेंट है तो उसको न्याय मिलना चाहिए. लेकिन अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है तो मुझे लगता है फैसले का आदर होना चाहिए. सेना ने लाकर यहाँ चप्पल जूता मारी है तो राम जेठ मलानी साहब और जो है शत्रुघ्न सिन्हा साहब और बहुत सारे लोग, शत्रुघ्न सिन्हा जी और राम जेठ मलानी तो इनसे कनेक्टेड है ना, इन्हीं के पार्टी के हैं ये, क्यों उनको उनका फोटो क्यों नहीं लाए? बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे जजेस जो रिटायर हैं वो भी फांसी के खिलाफ हैं. तो अभी देखिए कानून के मुताबिक ये मांग की जा रही है. परंतु मैं इन शिवसेना वालों को कहूं कि हमने असेंबली के अंदर कोई प्रस्ताव पास करने की बात नहीं किया, जबकि पंजाब की असेंबली में, जबकि तमिलनाडु की असेंबली में फांसी के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया, हमने नहीं किया. लेकिन ये लोग ये मनमानी कर रहे हैं, गुंडागर्दी और अपनी मनमानी बात करना, कानून में के दायरे में रह के मांग करना कोई गलत नहीं है. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.